Everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Izaani. Hope you all are doing good. So, हर किसी को black color की बिंदी पहनना बहुत पसंद है, because it kind of gives you that girly look and boho look, जो कि बहुत ज़्यादा beautiful लगती है. So today I'm going to share the makeup which you can pair up with a black bindi, चाहे वो bold black bindi हो, चाहे वो छोटी सी teeny mini सी black bindi हो. You can definitely pair this makeup look with any size of your black bindi, and it's going to look very beautiful, very minimal. वेरी वेरी एलिगेंट. एंड आज सारे ही प्रोडक्ट्स मैंने सब अफोर्डेबल यूज़ करे हैं. एंड ये जो लुक है, ये बहुत ही कम प्रोडक्ट से मैंने अचीव किया है, बहुत ही लेस प्रोडक्ट लगा है. दिस यू कैन वेयर इन एवरी डे बेसिस. आप कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, यू कैन टोटली वेयर दिस लुक. तो येस, इफ़ यू वांट टू सी हाउ आई क्रिएटेड दिस ब्यूटिफुल ब्लैक बिंदी मेकअप लुक, देन लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. Right, so starting off with some nourishment to my skin, I've been using this LA Organo Kumkum Adi oil from quite some time, and I've been loving the effect of it on my skin. मैं इस पर शायद डिटेल रिव्यू वीडियो शेयर करूँगी. यू कैन सी द डिफरेंस इन माई स्किन. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से नरिश कर देता है स्किन को. सो आई बीन यूजिंग इट. मैं उस पर डिटेल रिव्यू ज़रूर बनाऊँगी, आप लोग ज़रूर चेकआउट करना. अभी मैं यहाँ पर लैक्मी की CC क्रीम अप्लाई करी हूँ. मेरा शेड ब्रॉन्ज है, और मैं इसे ब्रश से, आई नो बहुत टाइम बाद में ब्रश यूज़ करी हूँ, तो मैं इसे सिर्फ ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी पूरे फेस पे, इंक्लूडिंग माई नेक. ये थोड़ा सा इवन आउट कर देता है, थोड़ी बहुत कवरेज दे देता है, एंड दैट्स गुड फॉर एवरी डे पर्पज. फिर मैं हाफ एंड हाफ का प्रो HD कंसीलर यूज़ करी. मैंने इस पर डिटेल रिव्यू वीडियो अभी बनाई थी, अगर आपने चेकआउट नहीं करी है करिएगा ज़रूर. ये कंसीलर बहुत अफोर्डेबल है. मैं इसे अभी अपने ऑर्बिटल बोन्स पे और हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई करी हूँ, और उसी ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ. ब्रश जल्दी जल्दी में, मॉर्निंग में अगर आप इसे एवरी डे में वेयर करें उस मेकअप लुक को, तो ब्रश काफ़ी हेल्पफुल रहेगा देन टू अ ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर को डैम करो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है. सो ब्रश जल्दी से उठाओ एंड ब्लेंड कर लो. इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्विक वाला मेकअप लुक दिखा रही हूँ. ये अभी मैं इस पूरे सेटअप सेट करी उस पूरे फेस को मेबेलिन का सुपर फ्रेश से. एंड नाउ एम गोइंग टू फिल इन माय ब्राउज विद दिस ओशियोर आईब्रो पेंसिल. मैंने इसे अमेजन से बाय किया था, मेरा परफेक्ट आईब्रो शेड है. बस मुझे थोड़ी सी पेंसिल्स में ये दिक्कत रहती है, वो पाउडर जितने स्प्रेड नहीं होते, क्योंकि इनमें थोड़ा सा वैक्स टाइप होता है. सो मैं इसे अपनी आईब्रो फिल इन करी हूँ एंड कम्प्लीट करी हूँ. तो नेक्स्ट टाइम मैं यूज़ करने वाली स्टार ऑफ द शो, जो कि मेरा फेवरेट 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 आईलाइनर, आप सबको पता होगा, रट गया होगा, मैं बोल बोल के थक गई हूँ. मुझे शायद ये टाइम हाई टाइम है, आई हैव टू चेंज माय काजल लव आल्सो. तो बट अभी के लिए आई एम यूजिंग दिस NYV का काजल, और मैं इसे टाइट लाइन और वाटर लाइन में अप्लाई कर रही हूँ बहुत सारा. और फिर मैं एक स्मज ब्रश से नीचे लोअर लैश लाइन में स्मज कर रही हूँ इस काजल को, काफ़ी ज़्यादा थिक सा. फिर मैं एक ब्राउन कलर की आई लाइनर पेंसिल ले रही हूँ. ये कॉपरिश ब्राउन है, बहुत ज़्यादा डीप ब्राउन नहीं है. अभी आपको आईलेट पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ दिखता है. तो मैं इसको अपने सिर्फ और सिर्फ वाटर लाइन के, मतलब पूरा आईलेट के बिल्कुल नियरेस्ट अप्लाई करूँगी, उसे स्मज कर दूँगी बस उतना ही, टू गिव अ ब्राउन इफेक्ट. बिकॉज अगर हम पूरा ब्लैक आई कर लेंगे, मतलब ऊपर से भी और नीचे वाटर लाइन से भी, तो वो बहुत छोटी छोटी आईज लगने लगेंगी. इसलिए मैंने ब्राउन कलर का आई लाइनर बेसिकली पेंसिल यूज़ करा. अभी मैं सिर्फ एक ब्राउन कलर का, नॉर्मल ब्राउन कलर का आई शेडो पूरी क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ, एक पिगमेंट देने के लिए, जस्ट दैट. फिर मैं स्विस ब्यूटी का ये प्रिसीजन आई लाइनर मस्कारा यूज़ कर रही हूँ. ये मेरा ओल्ड फेवरेट रहा है, सिर्फ ये मस्कारा यूज़ करूँगी एंड यू विल सी द डिफरेंस इन माई फॉल्सीज, लाइक फॉल्सीज इफेक्ट देता है बिल्कुल. तो मैं इसे बॉटम लैश लाइन पे, लैशेस पे और अपर लैशेस पे अच्छे से अप्लाई कोट कर लूँगी 2 से 3 दफ़ा. फिर मैं ये ब्लश पिकअप करी हूँ, दिस इज़ वेरी पिंकी एंड खूब अच्छे से मैं इसे ब्लशी ब्लशी सा लुक दूंगी, बिकॉज आई लव ब्लशी चीक्स लिटरली. तो मैं एक फ्लफी ब्रश से अप्लाई करी हूँ. नेक्स्ट अब मैं यूज़ करी हूँ लॉरियल की आई एक्सप्लोर रूज सिग्नेचर कलेक्शन से, ये लिपस्टिक है आई एक्सप्लोर, मैं इसे अप्लाई करी हूँ. मेरा परफेक्ट न्यूड शेड है, आप अपना परफेक्ट न्यूड शेड अप्लाई करिए. मैंने इस पर डिटेल रिव्यू वीडियो बना रही. With this, I end up this makeup look. Hope आपको ये अच्छा लगा हो and आपके लिए ये useful रहा हो. और अगर आप ये look create करने वाले हो और photos post करने वाले हो insta पे, तो मुझे please tag करना. I really want to see कि आपका कैसा recreation रहता है, because this look is so so simple, कोई भी इसको कर सकता है. So yes, and do let me know आप और कैसे ऐसे everyday sort of
हल्के पुलके वाले मेकअप लुक्स देखना चाहते हो कि नहीं ऑफिस के लिए स्कूल के लिए या हाउ टू लुक ब्यूटिफुल एट योर होम ओनली, तो वो सब चीज़ें you know I can do, I can create a video for that. Do let me know through your comments, and yes, I'll see you guys in my next video. Till then, take care of yours. Bye bye.